इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्र नाम स्थान दृश्य घटनाएं कहानियां संस्थाएं कानून की कार्यप्रणाली सभी काल्पनिक है। इस कार्यक्रम के किसी किरदार की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल एक संयोग है। चैनल किसी भी तरह की हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करता और चैनल का मकसद किसी व्यक्ति जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। चैनल इस कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाओं की तथ्यात्मक सटीकता का कोई दावा नहीं करता। शंके हाथ ऊपर, कोई चालाकी नहीं, सरेंडर कर दो और नाम गोली चला देंगे। गोलियों की गूंज सुनी आपने? ये मुंबई के एक कॉलेज में चली थी। इस गूंज ने मुंबई क्राइम हिस्ट्री के पन्नों पर एक नया चैप्टर लिख दिया। ये वही मुंबई शहर है जहां मैं अपनी किस्मत आजमाने आया था। जब पहली बार आया तो बस दिमाग में एक ही फितूर था, किसी तरह बड़े पर्दे पर आ जाना। स्टूडियोज के चक्कर काटे, असिस्टेंट डायरेक्टर के आगे गिड़गिड़ाया, कुछ एक अच्छे रोल्स भी किए, पर एक रोल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मुंबई का किंग कॉन्ग। थिएटर करते समय ही किरदार में घुसकर उसे निभाने का डिसिप्लिन आ गया था। तो भैया हम जुड़ गए। इस किरदार के होमवर्क में पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, गैंगस्टर्स की फाइलें पढ़ना, क्राइम से जुड़े लोगों से मिलना, सब कुछ शुरू हो गया। और क्राइम की असली जानकारी मिल गई जो चौंका देने वाली थी। गैंगस्टर्स के नकाब के पीछे असली चेहरे, दिल दहला देने वाली साजिशें, खून के जोश में लिए गए बदले, यही नहीं मुंबई क्राइम में बीते वो लम्हे जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। ए म्युनिसिपैलिटी वालों को और कोई टाइम नहीं मिलता क्या? वाघ मारे, गटर की बदबू टाइम देखकर आती है क्या? तो रात में भी तो कर सकते हैं ना। अरे हमारे गटर रात में खुलते हैं और सबसे ज्यादा अरेस्ट तो हम रात में ही करते हैं ना। और बम्बई का कचरा साफ करने का काम रात को ही तो होता है ना। तुम तो हमारे खास हो कौशल भाई, आपका ससुराल आ गया है।
नीचे उतरने का कष्ट करेंगे यजमान। अरे चल, शांत मस्ती नहीं, चल। क्यों बच्चे की जान ले रहे हो भाई? कौन है तू? ए उज्जवल नौकर, भाई भागो भाई, पुलिस का डुला रहा है भाई, भागो। ए रुको, ए भाई मुझे भूल के ले क्या? और पकड़ो उसे, जाने न पाए। बता तो दो यार। साले धरती का बोझ, हमारा तेरे से कोई मतलब नहीं। हम यहां बंबई को अपना ऑटोग्राफ देने आए। तू गटर में गिर रहा था ना, वही ठीक है। सर पुरुष चैरिटी फंक्शन फाइल। सर अभी अभी किसी ने चुरा बोकर खाना और वाघमारे पर हल्ला कर दिया। व्हाट नॉनसेंस, स्टेशन पर आकर कांस्टेबल पर अटैक? दिमाग तो ठीक है ऑफिसर? कौन थे वो? सर लालबाग का क्रिमिनल कुशल था, हमने सोचा उसे छुड़ाने आए ये लोग, लेकिन उसको ही छोड़ के भाग गए। कुछ कहा कौशल ने? सर अभी तक पूछताछ हुई नहीं है, कौशल घायल हो गया और अभी हॉस्पिटल में। किसने देखा होगा? नो सर, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, कुछ भी करो, कल तक मुझे सबके सब कस्टडी में चाहिए। यह बंबई पुलिस है, भागने की कोशिश भी मत करना। हथियार नीचे डालोगे तो हम तुम्हें यहां से जिंदा ले जाएंगे। ए, नीचे रख, नीचे रखो, रख। ए, रुक, ए, रुक। जब एक दो कोड़ी का गुंडा एक पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चलाता है तो वक्त कहता है कुछ करो, सबक सिखाओ इसे। आज चीख तेरी निकलेगी और दर्द पूरे अंडरवर्ल्ड को होगा। कैसा लग रहा है रफीक? क्या 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 कर रहे हो साहब? साहब क्या कर रहे हो? डोंगरी में एक नई गैंग खड़ी हुई, जो कुछ भी जानता है बग दे चल। छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो मुझे। तो क्या कर रहे हो साहब? दस तक गिनूंगा साहब। आठ, साहब छोड़ दो मुझे। नौ, क्या कर रहे हो साहब? बोलता हूँ साहब, सब कुछ बोलता हूँ साहब। साहब वो चार भाई है साहब, डोंगरी की चौकड़ी के नाम से फेमस है वो लोग। हाँ साहब, डोंगरी की चौकड़ी। आगे बात। उनमें से एक एक भाई पाशा और दूसरा मूसा, वो दोनों बहुत खतरनाक है साहब। किस गैंग के नाम पर फुदक रहे हैं मूसा और पाशा? किसी के नाम पर नहीं साहब, इन दोनों भाइयों के खुद के पर निकला है साहब। वो किसी से कोई भी चीज छीन लेते, हमारे तुम्हारे हमारे लाइन में ऐसा थोड़ा होता है साहब। साहब अपनी लाइन
साहब हेडक्वार्टर है वायरलेस में, बोले अर्जेंट है। हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करो मैं आ रहा हूँ। ठीक। इस डोंगरी के चंडाल चौकड़ी की कुंडली चाहिए मुझे रफी। साहब। और मुझे चाहिए मतलब? सब कुछ मिलेगा साहब, सब मिलेगा। चल ठीक है, मिलते हैं रफीक। साहब, साहब मुझे ऊपर तो उठाओ साहब, साहब, साहब। साहब, come इंस्पेक्टर भगत। Do you know इंस्पेक्टर अजय? जी साहब। ऑफिसर्स शंकर माने और शंक्या, यह है इस क्रिमिनल का नाम। इसके साथ देने वाले का नाम है उज्जवल शेट्टी, जो हाल ही में अंधेरी के मशहूर शेट्टी गैंग से अलग हुआ है। इन दोनों ने मिलकर कांस्टेबल बाग मेरे और खान पर चाकू से वार किया। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए सर, हमें जल्दी ही कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। सर ये शंकर माने शांक्या, यह है कौन? पहले कभी नहीं सुना इसका नाम। कॉलेज में ये छोटा मोटा गुंडा था, तभी इसने एक गैंग बनाया, लेकिन पहले ही मर्डर केस में ये गिरफ्तार हो गया। रत्नागिरी में जेल की सजा काट रहा था और वहीं से फरार हो गया। सर सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाला कौशल और इस शंक्या के बीच क्या कनेक्शन है? अजीब सी बात है, कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच। दरअसल कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हमने कौशल से पूछताछ की है और उसने बताया कि वो तो शंक्या को जानता तक नहीं है, लेकिन हाँ उसने ये कहा है कि उसने शंक्या से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। और जानते हो शंक्या ने क्या कहा? क्या सर? हमारा तेरे से कोई मतलब नहीं, मैं यहां सिर्फ मुंबई को अपना ऑटोग्राफ देने आया हूं। इस शंक्या ने अपने आप को मुंबई का बाप बताया है। पुलिस वालों पर तो बड़े से बड़े डॉन की हिम्मत नहीं होती अटैक करने की। सर उसकी उन कांस्टेबल के साथ कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं, हमने पूरी तहकीकात की है, हमें कोई लॉजिकल मतलब नजर नहीं आया इसमें। हाँ मेरे ख्याल में सनसनी फैलाने का इन लोगों ने काम किया है, अपने आप को फेमस करने के लिए। या तो ये कोई मेंटल केस है, पागल लगता है सर। पागल तो पब्लिक हो जाएगी जब इस प्रकार का दरिंदा खुलेआम घूमता रहा। हमें पब्लिक का भरोसा जीतना है, उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि वो यहाँ इस शहर में सुरक्षित है। इसके लिए जो मदद चाहिए होगी मैं दूंगा, एनीथिंग। पर मुझे शंका चाहिए आज, अभी, इसी वक्त। BUD 763 नीली फियर, इसी गाड़ी में भगत हूँ शंका। मैं इसका फॉलोअप करता हूँ। और मैं फॉलोअप करता हूँ इसके फैमिली के साथ। 55/16 सुतारवाड़ी दादर, क्रिमिनल कितना भी बड़ा क्यों ना, फैमिली हमेशा उसके दुखती रखती है, साए की तरफ पीछा करती है। ऑल द बेस्ट अच्छा है। यू टू। क्या बात है साहब? दोनों ये रुक। क्या का? क्या बंबई में? जेल से कब छूटा? छूटा नहीं, भागा है। जेल से फरार हुआ है आपका शंक्या। बेटा विष्णु, ये साहब क्या कह रहे हैं? भाई भाई को बचा रहा, असल में आग में धकेल रहा है। क्या मतलब है साहब? तुम्हारे शंक्या ने आज सुबह वर्ली पुलिस स्टेशन में घुसकर दो कॉन्स्टेबल्स पे हमला किया है। वो दोनों कॉन्स्टेबल्स अभी अस्पताल में हैं। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? हे देवा, ये तो कहाँ है अकेला शंक्या? शंक्या ने पुलिस का खून बहाया है, अब पूरी पुलिस फोर्स के खून की प्यासी है। फोन किया था सब जेल तोड़ने के बाद, अब मैंने बोला था उसको तू इधर मत आ, हम सब फंस जाएंगे। दोबारा फोन किया? हाँ साहब। नहीं नहीं,
मतलब हाँ साहब, एक दो बार फोन किया था उसने। कहाँ से? कसम से बोल रहा हूँ साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ से फोन किया था उसने और कहाँ है शांक्या। आप लोग एक बात समझ लीजिए, जितना शंका के बारे में मुझे बताएंगे उतना ही उसे बचाएंगे। अभी पूरी तरह ढसा नहीं आप करते, एक चांस है कि बच जाए, जिंदगी में सुधर जाए। सर, हमारा शंका ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सर, मेरा शंका बहुत सीधा बच्चा था सर, बारहवीं की कक्षा में पहला आया था सर। हाँ सर, शंका तो अच्छी सर्विस करना चाहता था लेकिन उसकी डेयरिंग उसकी दुश्मन बन गई। मैं और शांक्या दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, मैं शांक्या का सीनियर था। शांक्या की पहले दिन ही रैगिंग हुई, मैंने उसको बोला कि एक दो दिन में रैगिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन शांक्या नहीं माना, वो लड़ पड़ा और बीच में मुझे आना पड़ा। अबे चिकने, अब तेरी बारी, चल भूख उठा और चालू हो जा। फिर तो ये रोज का ड्रामा हो गया, शांक्या लड़ता और मैं उसे बचाता। धीरे धीरे कॉलेज में उसका नाम हो गया और उसका एक गैंग बन गया, प्रिंसिपल से लेके चपरासी सब उससे डरते थे। अपने एरिया का बड़ा गैंग था साहब, कोई गोल्डन गैंग। उन्होंने शंक्या की मदद से कोई पेपर लीक करवाया था, शंक्या ने बड़ा हिस्सा मांगा और उनसे पंगा ले लिया। बीच बचाव में मुझे आना पड़ा साहब शंक्या को बचाने के लिए, लेकिन गोल्डन गैंग वालों ने मुझ पर अटैक किया और मुझे इतना मारा था, इतना मारा कि मुझे हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया। शंक्या से देखा नहीं गया, शंक्या ने इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराया। मैंने उसको बहुत रोका लेकिन शंक्या नहीं माना। संख्या इन लपड़ों में ना पड़ता ना तो आज अच्छी नौकरी पर होता। सर, हम लोग सीधे लोग हैं सर, हमारे परिवार में कभी किसी ने कोई गलत काम नहीं किया। जब मेरे बड़े बेटे विष्णु का जीवन खराब हुआ तो संख्या समझ सकता था, गुंडागर्दी का परिणाम उसके सामने था सर, वो कुछ सीख सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ सर। वो उस पार चला गया सर, उस पार चला गया। चला तो गया लेकिन अभी तक वहां नहीं पहुंचा जहां से कोई रास्ता नहीं निकलता। आपके बेटे ने पुलिस पर हाथ डाला तो पुलिस ही उसे बचा सकती है या मिटा सकती है। सर, काफी चला निकला वो शंक्या, गाड़ी की नंबर प्लेट निकालकर खुद लोकल ट्रेन की भीड़ में गायब हो गया। एक बार को घास के बोरे में सुई मिल सकती है मगर लोकल ट्रेन में इंसान का मिलना नामुमकिन है। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, गाड़ी चोरी की है, इसके मालिक ने कल ही शाम को रिपोर्ट लिखवा दी थी। ये गाड़ी जहां से चोरी हुई है वो इलाका या तो शंक्या का होना चाहिए या उज्जवल शेट्टी का। जाओ पता लगाओ ये गाड़ी कहां की है। सर, मैं अभी केस पेपर मंगवाता हूँ। ये वक्त कागज पत्री का नहीं है कांस्टेबल, रोजाना तरीके रोजाना केसेस के लिए होते हैं, यहाँ हम वक्त से मुकाबला कर रहे हैं।
केस पेपर्स भूल जाओ और सीधे गाड़ी के मालिक को हाजिर करो। और ये मत भूलना, जब तक शंक्या आजाद घूम रहा है तब तक हमारे सारे पुलिस फोर्स की इज्जत गिरफ्त में है। जाओ। जी सर। वापस कर दो इसे, अभी क्या अभी। नाना जी ने नवासे को गिफ्ट दिया है। गलत। ससुर ने दामाद के मुंह पर तमाचा मारा है हमेशा की तरह। आप हर बार ऐसा क्यों कहते हैं? वो हर बार ऐसा क्यों करते हैं? हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए, हमारी शादी को 10 साल हो गए। इन 10 सालों में मेरा आपके लिए प्यार 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, आपके लिए इतना ज्यादा बढ़ गई है। अब उस वक्त आपके और पापा के बीच जो बात हुई थी उसको लेके आप अब क्यों बिगड़ रहे हैं? जाने दीजिए ना प्लीज। ये टीवी की आवाज मुझे भूलने देगी तब ना, और मुझे छोड़ो, सनी को तो ये हमेशा याद दिलाती रहेगी कि उसके डैडी उसके नाना जी जितना अमीर नहीं है। देखिए, आपके सनी के ना सिर्फ 2 ही हीरो हैं, एक तो है सुनील गावस्कर और दूसरा उससे भी बड़ा, उसके पापा इंस्पेक्टर भगत, बॉम्बे के सबसे टफेस्ट पुलिस ऑफिसर। और उसे पता है कि उन दोनों के रहते मैल्कम मार्शल या जोएल गाना की विकेट नहीं गिर सकती। इस टफ पुलिस ऑफिसर के आने वाले दिन भी बहुत टफ होने वाले हैं मिस भगत, तैयार रहोगी ना? क्यों, क्या हुआ? एक खूंखार डाकू को पकड़ना है। आपकी पोस्टिंग जंगल या बिहार में हुई है क्या? देखिए, सानी का स्कूल टर्म खत्म होने से पहले हम कहीं नहीं जा सकते। ये डाकू शहर के इस कंक्रीट जंगल में ही कहीं छुपा है सीमा, किसी जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक। बेवजह खून बहाता है, वो भी पुलिस वालों का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.